हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कटहल की सब्ज़ी। ये मेरी बहुत फेवरेट है। बहुत सारे लोगों को कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसे वेजिटेरियंस का नॉनवेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये चिकन जैसी दिखती भी है और बहुत अच्छे से इसे बनाया जाए तो स्वाद भी वैसा ही आता है नॉनवेज की तरह। तो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ इसको। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो कटहल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा कटहल लिया है। कटहल को काटना एक टेढ़ी खीर है, बहुत ही मेहनत लगती है इसमें, थोड़ा हार्ड होता है ये तो इसलिए चक्कू के ऊपर हमें कोई तेल या घी जैसी चीज़ लगा लेना चाहिए ताकि ये आसानी से कट जाए। तो उसके बाद ही बहुत अच्छे से कट जाती है। तो मैंने यहाँ पे कटहल को काट लिया है, अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है उसको बिल्कुल, और इतने बड़े बड़े पीसेस रखे। जो हम मसाला बनाएंगे कटहल के लिए, उसमें लगने वाला है ज़ीरा एक चम्मच, आधे चम्मच के बराबर काली मिर्च लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है, ये एक प्याज का चौथा या उससे भी कम हिस्सा होगा। लहसुन की कलियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, 15 से 20 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा अदरक और दो जो सूखे वाले लाल मिर्च होते हैं ना वो। यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिया है, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हम तड़के के लिए लेंगे थोड़ी सी हींग, 2 बड़ी वाली इलायची, 2 तेज़पत्ते और 2 यहाँ पे सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। तो हमने जो पेस्ट के लिए चीज़ें ली थी उसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे और उसका हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने पेस्ट बना लिया है, अब इसको हम रख लेते हैं एक तरफ। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। ध्यान रखें कटहल की सब्ज़ी में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे जो कटहल मैंने धो के रखा था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राइंग में कम से कम 8 से 10 मिनट तो लग जाएगा, तो धीमे से मीडियम पे फ्लेम रखें आप, और इसको इसी तरीके से हम फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इसका कलर एक गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। तो इसको मैंने फ्राई किया है, देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसमें कलर आना और बाकी हो है। तो इसको धीमी आंच पे ही हम लोग फ्राई करेंगे। अब देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, एकदम अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसको किसी प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने निकाल लिया और उसी कढ़ाई को हम लोग अच्छे से पोंछ लेंगे। किचन नैपकिन से आप इसको अच्छी तरीके से पोंछ लें। तो ये साफ़ हो गई हमारी कढ़ाई। इसी में हम ऑयल डालेंगे फिर से, सरसों का तेल। तो कटहल की सब्ज़ी जो होती है उसको नॉनवेज की तरह ही आप पकड़ के चलें तो इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो आप घबराएं नहीं। तो जैसे ही तेल गर्म हो गया है, मैंने 3 से 4 चम्मच बड़े वाले चम्मच तेल डाला है, और जैसे ही तेल गर्म हो गया है तो हमने जो तड़के की चीज़ें रखी थी वो हमने डाल दी, और कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद हम अनियन भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 3 अच्छे साइज़ का अनियन लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं, लेकिन बारीक काटने से उसका मसाला जो है वो अच्छे से, ग्रेवी अच्छे से बनेगी। तो इसे अब हम धीमे आँच पर भूनेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। अगर बहुत जल्दी भूनना है तो आप 2 चुटकी इसमें नमक भी डाल सकते हैं। तो जब तक फ्राई हो रही है अनियन, इसी बीच में हम क्या करते हैं, जो पाउडर स्पाइसेस हैं उसका एक घोल हम बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, उसमें 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच के बराबर हम जीरा पाउडर डालेंगे, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं, और मिर्च 1 भर के मैंने चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये बहुत तीखी वाली है। तो इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसका हम पतला सा एक घोल बना के रख लेंगे। ऐसा करने से मसालों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जलते भी नहीं हैं मसाले, और मसालों के साथ सब्ज़ी का जो कलर आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो चलिए देखते हैं हमारी प्याज भुन गई है कि नहीं। तो ये ऑलमोस्ट भुन गई है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है, और ऐसा ही भुनना है, इसमें प्याज को कच्चा नहीं रखना है, यानी बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाएगी प्याज तभी हम स्पाइसेस डालेंगे इसमें मसाले। तो हमारी प्याज बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हमने जो मिक्सर जार में जो पेस्ट बना के रखा था तो उसे हम इसमें डाल देंगे।
और थोड़ा सा जो मिक्सर जार में पानी थोड़ा डाल के जो मसाला रह गया है उसको भी हम यूज़ कर लेंगे। ये भी मैंने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे प्याज के साथ, और आंच हम बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम ही रखें फ्लेम। और इसको हम इसी तरीके से चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसको हम भून लेंगे जब तक कि इसका जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसमें 5 से 6 मिनट लग गए हैं और तेल भी किनारों से छूटने लगा है, और इसकी जो कच्ची एक स्मेल होती है मसाले की वो भी अब नहीं है इसमें, यानी हमारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो इस मोमेंट पे हमने जो पेस्ट बना के रखा था, घोल बना के रखा था मसालों का, जो पाउडर स्पाइसेस का, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब ये हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के कटोरी में जो भी है वो मसाले लगे उनको भी हम यूज़ कर लेंगे, और अच्छे से दोनों मसालों को मिला के हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हमें भूनना है इसको, ताकि जब तक अच्छे से किनारों से तेल ना निकलने लगे और मसाले अच्छे से भून ना जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। तो आप चाहें तो एक ढक्कन भी इस पे लगा सकते हैं। तो ढक्कन लगा के हम बिल्कुल धीमी आंच पे इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए हम भूनेंगे, और उसके बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे तो देखिए किनारों से बिल्कुल तेल छूटने लगे हैं, मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। तो इसे अच्छे से हम हिला देंगे। ये देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं और साइड से तेल भी सेपरेट हो रहे हैं। तो इस मोमेंट पे हमने जो फ्राई करके कटहल रखा है वो इसमें डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से उलट पुलट करके अच्छे से टॉस कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से बिल्कुल चिपक जाए कटहल पे, कोटिंग हो जाए उनकी। और ऐसा करने के बाद हम धीमी आंच से पे लो से मीडियम के बीच पे आंच आप रखें, और इसको हम लोग 3 से 4 मिनट तक कम से कम ज़रूर फ्राई करेंगे। ऐसा करने से सब्ज़ी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। कटहल की सब्ज़ी थोड़ा पेशेंटली बनती है, थोड़ा उसमें पेशेंस की ज़रूरत है तभी वो वैसी बनती है। तो इसके लिए हम 2 से 3 मिनट तक इसको ढक के हम लोग इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाया मैंने, और अब हम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे। तो मैं 1.5 चम्मच के बराबर गरम मसाला डाल रही हूँ। आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप घर में जो बना के रखते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल देंगे। मैंने 1.5 चम्मच डाला है, जितना कटहल है उसके हिसाब से 1.5 चम्मच बहुत सही है। उसके बाद हम मसाले को, गरम मसाले को, नमक को इसके साथ अच्छी तरीके से मिला देंगे। और गरम मसाला डालने के बाद कभी भी सीधे पानी नहीं डालना चाहिए, उसके बाद 2 से 3 मिनट तक ज़रूर भूनना चाहिए, ताकि जो गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो और अच्छे से उभर के आए सब्ज़ी में। तो इसके लिए मैंने ढक दिया है 2 मिनट के लिए, ढक के उसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद फिर ढक्कन हटा के। तो अच्छी तरीके से भुन चुका है कटहल और बिल्कुल परफेक्टली ये डन है इस समय। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी डालते समय आप इसका ख्याल रखें, आपको सब्ज़ी बिल्कुल ही सूखी सूखी चाहिए तो आप थोड़ा इससे कम पानी डालें, और अगर आपको लटपटी चाहिए तो भी थोड़ा इससे कम डालें, और इससे बहुत ज़्यादा रसा चाहिए तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा डालें। तो मुझे ठीक ठीक जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ठीक ठीक चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने इतना पानी डाला है कि जो कटहल है वो सारा उसमें डूबा रहे। तो 6 से 7 मिनट ज़रूर लगेंगे इसमें, धीमी आंच पे हम कर देंगे और इसको पकाएंगे। उसके बाद हम पकने के बाद 1-2 मिनट के लिए आप ढक्कन को ऐसे ही रख दें और गैस को बंद कर दें, उसके बाद ढक्कन हटाएं। तो देखिए सब्ज़ी की रंगत कितनी अच्छी है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, किसी चिकन वगैरह से कम नहीं लग रही है बिल्कुल। तो जो लोग खाते हैं चिकन, नॉनवेज खाते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, देख के बिल्कुल वैसी ही लग रही है ये देखिए इसकी शक्ल। और उसके बाद आप चाहें तो ये तेज पत्ता और बड़ी इलायची जो हमने यूज़ किया था उसको आप अलग निकाल के रख सकते हैं, और इसे गर्मा गर्म राइस के साथ, रोटी या चपाती के साथ, पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह की अगर रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैसी लगी रेसिपी लाइक करके अपने कॉमेंट शेयर करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।